मैं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान गरीब के घर पर करवाया अवैध कब्जा और उसके पति को किया अगवा। मामला थाना शिवन क्षेत्र के ग्राम मदारी खेड़ा मजरा सरम्बा के निवासी एक महिला रीता ने आरोप लगाते हुए कहा, गांव के दबंग लोग नरेश पाल पुत्र नंदाराम बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति है। नरेश द्वारा रीता के ससुर शिवलाल से जबरन दबंगई के बल पर उसके मकान पर कब्जा करने की बात कह रहे। जब पीड़िता के ससुर ने मकान देने को इनकार किया, तभी दबंग व्यक्तियों ने कहा कि हम तुम्हारा मकान जबरन कब्जा कर लें। दिनांक 27/6/2021 को नरेश पाल पुत्र नंदाराम, ग्राम प्रधान सुनील, जितेंद्र पुत्र नरेश, रामू पुत्र नरेश एक राय होकर पीड़िता के घर पर जाकर उसके ससुर शिवलाल के साथ गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता के घर आए हुए सभी दबंग व्यक्तियों ने उसके घर में घुस जाते हैं, फिर उसके बाद ससुर शिवलाल को मारते और पीटते हैं और जबरन दबंगई के बल पर सादे स्टाम्प पेपर पर उसका अंगूठे का निशान ले लेते हैं। उसके बाद पीड़िता रीता और पति सुनील और ससुर दिनांक 3/8/2021 को दबंग नरेश पाल, रामू, ग्राम प्रधान सुनील, जितेंद्र के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र देने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उसके घर के सामने एक चार पहिया वाहन आती है। उसमें एकाएक नरेश पाल, रामू वर्तमान के प्रधान सुनील और अन्य व्यक्ति रीता के पति को जबरन चार पहिया में ले जाकर चले आते हैं, लेकिन पीड़िता के पति को ले जाकर कई दिन हो गए लेकिन अभी तक उसका पति वापस नहीं आया और पीड़िता के घर पर दबंग व्यक्ति अपना कब्जा भी जमा लिया, जिसको लेकर पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और उसने ये भी कहा, अगर मेरे पति के साथ कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान सुनील, नरेश पाल, रामू आदि दबंग व्यक्ति होंगे। देखना अब ये होगा क्या पुलिस अधीक्षक ऐसे दबंग व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई करता है। उन्नाव से मोहम्मद इदरीश की खास रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या नाम है तुम्हारा? रीता। रीता कहाँ से आई हो? मदारी खेड़ा। थाना आशीवन। क्या मामला है, क्यों आई हो? आई है कि 21 तारीख को हमारे पति को प्रधान ने और नरेश ने, उसको दोनों लड़के ने हमारे पति को चार पहिया गाड़ी से डाल के ले गए थे। आज भी मुझे ना दिखाया है ना तो बात भी कराया, ये मामला है। 31 तारीख को ले गए थे? हाँ। कौन गाड़ी में डाल कर इनके ले गया था तुम अरे पति को? प्रधान ने और नरेश ने, नरेश के दोनों लड़के ने। प्रधान का नाम क्या है? सुनील। आ? सुनील, सुनील? हाँ। क्या मामला है, क्या नाम है तुम्हारा? रीता। रीता कहाँ से आई हो? मदारी खेड़ा। थाना आशीवन। हाँ। क्या मामला है, क्यों आई हो? आई है कि 21 तारीख को हमारे पति को प्रधान ने और नरेश ने, उसको दोनों लड़के ने हमारे पति को चार पहिया गाड़ी से डाल के ले गए थे। आज भी मुझे ना दिखाया है ना तो बात भी कराया, ये मामला है। 31 तारीख को ले गए थे? हाँ। कौन गाड़ी में डाल कर इनके ले गया था तुम अरे पति को? प्रधान ने और नरेश ने, नरेश के दोनों लड़के ने। प्रधान का नाम क्या है? सुनील। आ? सुनील, सुनील? हाँ। क्या मामला है, क्या नाम है तुम्हारा? रीता। रीता हाँ। कहाँ से आई हो? मदारी खेड़ा। थाना आशीवन। हाँ। क्या मामला है, क्यों आई हो? आई है कि 21 तारीख को हमारे पति को प्रधान ने और नरेश ने, उसको दोनों लड़के ने हमारे पति को चार पहिया गाड़ी से डाल के ले गए थे। आज भी मुझे ना दिखाया है ना तो बात भी कराया, ये मामला है। 31 तारीख को ले गए थे? हाँ।